नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल भारत के पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ भारत के कोच बनने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि वो इस वक्त अंडर 19 और इंडिया ए टीम के कोच थे, लेकिन अब वो सीनियर टीम की कोचिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये खबर आ चुकी है, बीसीसीआई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। लेकिन इस बीच पारस महामरे को बॉलिंग कोच बनाया गया है और राहुल द्रविड़ को हेड कोच के रूप में टीम इंडिया के साथ जोड़ा जा रहा है। ये दोनों पूर्व खिलाड़ी भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप के बाद जुड़ेंगे। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप जो कि इसी महीने से शुरू हो रहा है, 17 अक्टूबर से, उसके बाद रवि शास्त्री का कोचिंग करियर खत्म हो जाएगा टीम इंडिया के साथ। उसके तुरंत बाद राहुल द्रविड़ और पारस महामरे टीम इंडिया की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए बहुत से मैचेस जिताए हैं, बहुत क्रिकेट खेली है। राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 164 टेस्ट खेले हैं। इस दौरान 13,288 रन बनाए हैं, जबकि 344 वनडे खेलते हुए उन्होंने 10,889 रन बनाए हैं। और इसके अलावा पारस महामरे की अगर बात करें तो वो महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली है, लेकिन एक कोच के रूप में वो बेहतर रहे हैं। पारस महामरे ने 2 टेस्ट और 3 ओडीआई मैचेस भारत के लिए 1996 के दौर में खेले थे और वो बॉलिंग कोच बनेंगे इंडिया टीम के। इसके पहले वो एनसीए में कोचिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं, साथ में बंगाल की रणजी टीम के वो कोच रह चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बड़ोदरा और विदर्भ की भी रणजी टीम की वो कोचिंग कर चुके हैं और साथ में मुंबई इंडियंस जो कि आईपीएल की टीम है, 4 साल तक उसके असिस्टेंट कोच रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा वक्त में इंडिया ए और अंडर 19 टीम के वो बॉलिंग कोच हैं। जहां पर राहुल द्रविड़ हेड कोच हैं, वहां पर वो बॉलिंग कोच हैं। मतलब उन्हीं का कॉम्बिनेशन सीनियर टीम में भी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थी कि भारत का अगला कोच कौन होगा, कोई विदेशी प्लेयर आएगा या भारत का ही कोई कोच मिलेगा। इस रेस में वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, काफ़ी प्लेयर्स का नाम था। खबर ये भी थी कि बीसीसीआई लगातार राहुल द्रविड़ से बात कर रही है, अगर द्रविड़ मान जाते हैं तो द्रविड़ को ही कोच बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जब भारतीय सीनियर टीम इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी विराट कोहली की कप्तानी में, तो राहुल द्रविड़ को शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम का कोच बनाकर श्रीलंका दौरे पर भेजा गया था, जहां पर 3 वनडे श्रृंखला थी, जहां पर भारत ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। अब लेकिन यह खबर पुख्ता हो चुकी है कि 2023 तक राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच रहेंगे, पारस महामरे बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल बीसीसीआई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का भी इंतजार है।